गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्टोरी ऑफ द गूस एंड गूस दैट लेड द गोल्डन एग। ओके, सो टेक योर इंग्लिश स्टोरी बुक एंड कम टू पेज नंबर 22। हियर इज द स्टोरी। अ पुअर फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन एन ओल्ड हाउस। द फार्मर रीड गीज एंड सोल्ड द एग्स फॉर अ लिविंग। तो एक बार एक पुअर जो फार्मर था वो गांव में रह रहा था और कुछ गीज को वो पालते हुए उनके एग्स बिक के अपना जीवन चला रहा था। वंस मॉर्निंग द फार्मर फाउंड अ गोल्डन एग इन द कूप ऑफ द वन ऑफ द गीज हैड लेड इट। तो एक दिन क्या हुआ, उस फार्मर को उसके जो जब हम हेन और सब रखते हैं कूप में, उस कूप में एक गोल्डन एग मिला जो एक गीज ने दिया हुआ था। इट इज अ रियली गोल्ड सी सेड। उसने फार्मर ने कहा ये तो सच्चा सोने का एग्स है। द फार्मर रश्ड होम टू सी शो टू हिज वाइफ। His wife was delighted to see that the golden egg. वो जल्दी से दौड़ के अपने वाइफ के पास गया और उसने वो गोल्ड एग था जो वो अपने वाइफ को बताया और उसकी वाइफ भी वो गोल्डन एग देख के बहुत खुश हो गई। They sold the egg for lots of money. Next day, goose laid golden egg again. फिर जो वो सोने का अंडा मिला था उसको सोल्ड करते उस दो फार्मर और उसके वाइफ ने बहुत सारे पैसे कमाए। और नेक्स्ट डे वापस जो वो फार्मर कूप में गया तो जो वो गूस था उसने फिर से एक सोने का अंडा दिया हुआ था। Every morning the goose laid a golden egg and the farmer grew rich. The farmer and his wife lived in a new house now. But as their money increased, they also grew more greedy. तो हर रोज अभी ऐसे ही होने लगा। जो गूस है वो रोज़ एक सोने का अंडा दे रहा था और उसको बेच के जो फार्मर था वो बहुत ज़्यादा रिच होने लगा था, अमीर होने लगा था। लेकिन जैसे जैसे वो अमीर होने लगा उसको और भी लोभ होने लगा और वो ज़्यादा लोभी होने लगा और उसको ज़्यादा पैसे चाहिए ऐसा लगने लगा। If we get all the golden eggs together from the goose, we would get richer soon, the farmer thought. तो फिर एक दिन उसने क्या सोचा, ये रोज़ एक एक अंडा लेने से क्या होगा, हम ऐसे करते हैं एक दिन इस गूस के जो सारे पेट में जो अंडे हैं वो निकाल लेते हैं और जल्दी से क्या होते हैं वो सबसे ज़्यादा धनवान रिच होते हैं। तो उसने क्या किया, That evening the farmer went to the coop with a knife. He cut open the goose stomach. There was no gold inside. What a shock they got when they were left with only dead goose. तो एक दिन उसने सोचा कि हम एक साथ ही गूस के जो अंडे हैं वो सब निकाल लेते हैं, तो उसने ऐसा सोचा। और नेक्स्ट इवनिंग जो वो कूप में गया तो उसने क्या किया, नाइफ लेके गया था और उसने वो गूस का स्टमक था वो काट दिया, लेकिन वहाँ तो अंडा नहीं था। इस तरह से वो गूस था वो अभी मर गया था और उसको ये सोच के बहुत बड़ा शौक लगा क्योंकि जो सोने का अंडा देने वाला गूस था अब वो आगे से अंडा नहीं देगा क्योंकि वो मर गया था। मोरल ऑफ द स्टोरी दैट ग्रीड इज अ कर्स। तो इसका मोरल क्या है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जब भी हम ज़्यादा लालच करते हैं तो हमें क्या होता है, पछताना पड़ता है। सो रीड दिस स्टोरी एट होम एंड पेज नंबर 2929 इज होमवर्क फॉर यू।